बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को कैफे पर हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 20 लोगों में एक भारतीय लड़की भी शामिल है। मृतक लड़की का नाम त्रिशी जैन है। 18 साल की त्रिशी जैन के पिता बांग्लादेश में कपड़े का कारोबार करते हैं और वो मूल रूप से यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और उसकी मौत की खबर से फिरोजाबाद स्थित उसके घर पर मातम बस रहा है। तारिशी के परिवार वाले उसके पार्थिव शरीर के घर आने के इंतज़ार में बैठे हैं। तारिशी अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी और कुछ दिन पहले ही वो अमेरिका से ढाका अपने माता पिता के पास छुट्टियां बिताने आई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी तारिशी की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुझे ये बताते हुए बेहद पीड़ा हो रही है कि आतंकवादियों ने तारिशी की हत्या कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने उसके पिता संजीव जैन से बात करके गहरी संवेदना जताई है। आतंकवादी हमले में तारिशी की मौत से उसका परिवार सदमे में है। परिवार वालों का कहना है कि सरकार ने अभी तक उसके परिवार से कोई संपर्क नहीं किया है।